हेलो, माय सेल्फ अभिषेक गुप्ता। आई एम स्टूडेंट ऑफ जेन के वीवी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा। आई एम प्रेजेंटिंग द प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर आर पी जोशी सर। सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। सेल डिवीजन एक प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। सेल डिवीजन यूजुअली अकर्स एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेल साइकिल in which the cell grows and replicates its chromosome before dividing. Cell division larger cell cycle का एक part है जिसमें cell divide होने से पहले cell खुद को grow करती है और chromosome को replicate करती है. Phases of mitosis cell division. Mitosis is used for almost all of your body's cell division needs. Mitosis cell division is completing in two phases. First is interphase and second is cell division phase. Interphase is the longest phase in the eukaryotic cell cycle. During interphase, the cell acquires nutrients, creates and uses proteins and other molecules, and starts the process of cell division by replicating the DNA. Interphase cell cycle की सबसे लंबी phase है, और इस phase में cell nutrients acquire करती है और protein और molecules को create करती है और उसका use करती है, और साथ ही साथ डीएनए का रेप्लिकेशन करती है और सेल डिवीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इंटरफेस को तीन स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज गैप वन, सेकेंड इज सिंथेसाइज एंड थर्ड इज गैप टू। गैप वन, ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेल परफॉर्म्स इट्स नॉर्मल फंक्शंस एंड ग्रोज इन साइज। गैप वन स्टेज में सेल अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए अपने साइज को ग्रो करती है। सिंथेसाइज स्टेज, ऑल रिसोर्सेज आर डेडिकेटेड टू रेप्लिकेटिंग द डीएनए। आफ्टर सिंथेसाइज द सेल मस्ट प्रिपेयर फॉर सेल डिविजन। सिंथेसाइज स्टेज में सभी रिसोर्सेज जो होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और इस स्टेज के बाद सेल लगभग तैयार हो जाती है सेल डिविजन के लिए। गैप टू, ड्यूरिंग जी टू द सेल एड्स वैल्यू करती है और अदर ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेट करती है। सेल डिविजन फेज, सेल डिविजन फेज इज डिवाइड इंटू फोर फेजेस। फर्स्ट इज प्रोफेज, then metaphase and anaphase and telophase. Prophase, the chromosomes start condensing. Prophase में chromosomes जो होते हैं condense होना start हो जाते हैं. The spindle grows between the centrosomes as they move apart. Centrosome के बीच spindles बनने लगते हैं और centrosome आपस में दूर जाने लगते हैं. The nucleolus disappears. Nucleolus disappear हो जाता है. The nuclear envelope breaks down, releasing the chromosomes. Nuclear envelope breaks down हो जाता है और क्रोमोसोम्स रिलीज हो जाते हैं। यहाँ हम स्पिंडल एनाटॉमी समझेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैन बाइंड टू क्रोमोसोम्स एट द काइनेटोकोर। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर पे बाइंड करके रखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट बाइंड अ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्रोमोसोम को काइनेटोकोर के थ्रू बाइंड करके रखते हैं उन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेटाफेज, इन मेटाफेज द स्पिंडल हैज कैप्चर्ड ऑल द क्रोमोसोम्स एंड लाइन देम अप एट द मिडिल ऑफ द सेल एंड रेडी टू डिवाइड। मेटाफेज में सभी इन स्पिंडल क्रोमोसोम्स को कैप्चर कर लेते हैं तथा उन सभी को मिडिल पे लाके लाइन अप कर देते हैं एंड इस पे क्रोमोसोम डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है। All the chromosomes align at the metaphase plate. सभी क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पे और मेटाफेज प्लेट का निर्माण कर लेते हैं। At this stage, the two kinetochores of each chromosome should be attached to microtubules from opposite spindle poles. Before proceeding to anaphase, the cell will check to make sure that all the chromosomes are at the metaphase plate. With their kinetochores correctly attached to microtubules, this is called the spindle checkpoint. Anaphase में पहुंचने से पहले जो सेल है वो ये चेक करती है कि जो सभी क्रोमोसोम है क्या वो मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए हैं वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से अच्छे से अटैच होकर। दिस इज कॉल्ड द स्पिंडल चेक पॉइंट। इसे स्पिंडल चेक पॉइंट कहते हैं। इन एनाफेज द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर and are pulled towards opposite end of the cell.
एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट एंड की ओर खींचने लगते हैं। द प्रोटीन ग्लू दैट होल्ड्स द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर इज ब्रोकन डाउन अलाउंग देम टू सेपरेट। जो प्रोटीन ग्लू होता है जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है जिससे सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों सेपरेट हो जाते हैं। द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर आर पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट एंड ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम होते हैं उसके सभी पेयर अपोजिट एंड की ओर खींचने लगते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट एंड पुश अपार्ट सेपरेटिंग द पोल्स एंड मेकिंग द सेल लॉन्गर। माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट होते हैं और जो पोल्स होते हैं उसको दूर करते हैं, सेपरेट करते हैं और सेल को लॉन्ग कर देते हैं। टीलोफेज। इन टीलोफेज द सेल इज नियरली डन डिवाइडिंग एंड इट स्टार्ट्स टू रीएस्टेब्लिश इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। टीलोफेज में जो सेल होती है वो ऑलमोस्ट डिवाइडिंग अपना डिवाइड होने के लिए पूरी स्टेज कंप्लीट कर लेती है और वो अपने जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको रीएस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देती है। टू न्यू न्यूक्लियोलस फॉर्म एंड रीअपियर्स इन टीलोफेज। जैसे कि प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था वो टीलोफेज में रीअपियर्स हो जाते हैं। द क्रोमोसोम्स बिगिन टू डिकंडेंस एंड रिटर्न टू देयर स्टिंजी फॉर्म। क्रोमोसोम्स डिकंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं और अपने स्टिंजी फॉर्म पे आ जाते हैं। द माइटोटिक स्पिंडल इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। माइटोटिक स्पिंडल जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। साइटोकाइनेसिस फेज। साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू न्यू सेल्स ओवरलैप्स विद द फाइनल स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस में टू न्यू सेल फॉर्म होने के लिए साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और ये माइटोसिस के फाइनल स्टेज मींस टीलोफेज से ओवरलैप करती है। इट मे स्टार्ट इन आइदर एनाफेज और टीलोफेज डिपेंडिंग ऑन द सेल एंड फिनिशेस शॉर्टली आफ्टर टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो या तो एनाफेज से या टीलोफेज से स्टार्ट हो सकता है, यह सेल पर डिपेंड करता है और टीलोफेज के बाद ये बहुत ही कम समय पे फिनिश हो जाता है। एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस इज कॉन्टेक्टाइल पिंचिंग द सेल इन टू लाइक अ कॉइन पर्स विद अ ड्रॉ स्ट्रिंग। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कॉन्टेक्टाइल होता है और यह सेल को दो कॉइन रूप ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ कॉइन रूप के स्ट्रक्चर में डिवाइड करने लगता है। द ड्रॉ स्ट्रिंग इज अ बैंड ऑफ फिलामेंट मेड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन एंड द पिंच क्रीज इज नोन एज द क्लीवेज फरो। जो ड्रॉ स्ट्रिंग होता है वो प्रोटीन जिसका नाम एक्टिन है उससे बने हुए कई फिलामेंट्स का बैंड होता है, तो पिंच क्रीज होता है उसे क्लीवेज फरो के नाम से जानते हैं। एंड देयर आर लिटिल डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल डिवीजन। सो हम इसे भी देखते हैं। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल प्लेट फॉर्म्स डाउन द मिडिल ऑफ द सेल स्प्लिटिंग इट इनटू टू डॉटर सेल्स सेपरेटेड बाय अ न्यू वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और जो ये स्ट्रक्चर होता है इसे सेल प्लेट के रूप में जानते हैं। और जो ये सेल वॉल होती है ये सेल के मिडिल में फॉर्म होती है और जो ये नई वॉल बनी होती है ये सेल को स्प्लिट कर देती है दो डॉटर सेल में। When cytokinesis finishes, we end up with two new cells, each with a complete set of chromosomes identical to those of the mother cell. जब cytokinesis finish होती है तो इस फेज के एंड में हम दो नई सेल पाते हैं तथा दोनों कंप्लीट क्रोमोसोम के सेट पे रहती हैं और ये अपनी मदर सेल से आइडेंटिकल होती हैं, मीन्स फुल टू फुल कॉपी ऑफ मदर सेल रहती हैं, एकदम पूरा कॉपी रहती है मदर सेल की। The daughter cell can now begin their own cellular life and depending on what they decide to be when they grow up may undergo mitosis themselves repeating the cycle. अब daughter cell अपनी खुद की cellular life जीती हैं और ये उन पर depend करता है कि उन्हें कब divide होना है। जब उनको divide होना होगा तो वह फिर से mitosis stage पे आएंगी और फिर वहाँ से पूरा mitosis stage को कंप्लीट करेंगी और उसके बाद रिपीट हो यही साइकिल पूरी तरह से बार बार रिपीट होती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यून विद मी। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।